देख लो उन लोगों को, उन फकीरों को, उन भिखारियों को जो आज सड़क पर यूं ही भूखे प्यासे पड़े हैं, जो बस जरा सी भीख के सारे अपनी जिंदगी काटे जा रहे हैं, दूसरों के सामने सिर झुका रहे हैं, अपनी नाक कटा रहे हैं। जब उन लोगों को ऐसे रास्ते पर पड़ा देखते हो तो सच में क्या लगता है, तरस आता है उन पर। नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर कोई अपनी हालत का, अपनी किस्मत का जिम्मेदार खुद है। यहाँ हर किसी के पास हाथ है अपनी कहानी खुद लिखने को, हर किसी के पास मौका है अपनी किस्मत खुद आजमाने को। समाज ने बचपन से ही तुम्हारे दिमाग में एक लिमिट सेट कर रखी है, एक सीमा रेखा खींच रखी है, जिसके मुताबिक तुम कभी भी कुछ बड़ा करने से पहले कांपोगे। हर किसी के पास बेशुमार ताकत है, इतनी ताकत है कि शायद वो अंदाजा भी ना लगा पाए। इतना बल है कि वो किसी को भी हरा जाए, किसी के साथ भी निखर जाए और कहीं भी चमक जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि लोगों को अपनी क्षमताओं का पता ही नहीं है, उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि जो कुछ वो कर सकते हैं वो शायद किसी का बाप भी नहीं कर सकता। अपना वजूद इतना गिरा चुके हो, हिम्मत को इतना खोखला बना चुके हो कि अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं जिंदगी के साथ समझौता करने के अलावा। लेकिन क्या इस गुलामी की जिंदगी के लिए 9 महीने अपनी माँ के पेट में जंग लड़कर आए हो? क्या गुलाम बनने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला है, तुम्हें संभाला है? क्या नौकर बनने के लिए तुम्हें यहाँ रखा है? क्या अपने आप को बार बार नीचा गिराने के लिए इस मिट्टी ने तुम्हें बड़ा किया है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम यहाँ आयो राज करने के लिए, और इसके लिए बस अपनी मानसिकता में एक ही बात फिट होनी चाहिए, और वो है कि साला जो चाहे मर्जी कर ले, मैं तो बड़े सपने ही देखूंगा, मैंने जो ठाना है उसे पाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए, किसी भी तकलीफ से गुजरना पड़ जाए, किसी भी हालत से लड़ना पड़ जाए। एक बार बस खुद को ये बता देना है, खुद को समझा देना है कि बस अब बहुत हो गया, इसके बाद कोई बहाना, कोई रोक टोक नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यहाँ हर कोई अपनी हालत का जिम्मेदार खुद है, हर किसी के पास यहाँ हक है जिंदगी में ऊंचा उड़ने का, आगे बढ़ने का। इस हक को तुम कैसे भूल सकते हो? इस सब के साथ तुम कैसे समझौता कर सकते हो? तुम्हारे हाथों में वो जादू है कि तुम इतिहास बना सकते हो, लेकिन उस जादू का इस्तेमाल करने से पहले तुम्हें अपने दिमाग को काबू में करना होगा। फर्क समझो उन दोनों ही लोगों का, एक जिसे नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है और दूसरा मालिक की तरह हुक्म चलाता है। क्या फर्क है उन दोनों ही लोगों में? हाँ, जन्म समय या दिनों में फर्क होगा, लेकिन शरीर में तो नहीं है। उन दोनों ही लोगों के जिस्म में एक जैसे अंग है, एक जैसा रंग है। मैं कहता हूँ, जब एक इंसान अकेले पहाड़ तोड़ सकता है, पूरी दुनिया में प्रकाश बिखेर सकता है, चांद पर जा सकता है, एक अलग दुनिया की खोज कर सकता है, तो उसके सामने मेरे और तुम्हारे गोल तो कुछ भी नहीं है। हम तो जो चाहे वो कर सकते हैं। एक बात बोलूंगा और एकदम साफ शब्दों में बोलूंगा, हर इंसान सक्सेस डिजर्व करता है, बहुत पैसा और एक अच्छी जिंदगी डिजर्व करता है, और ये उसकी किस्मत नहीं बल्कि उसकी चाहत और जिद्दी दिमाग तय करता है। अगर आज तुम्हारे हाथ मेहनत करने को नहीं रुकेंगे तो कल पैसा गिनने में भी नहीं थकेंगे, और जिंदगी के असली मजे कुछ ऐसे ही मिलेंगे। हर इंसान के पास मौका होता है अपनी कहानी खुद लिखने का, इसके लिए पैसा, किसी और के सपोर्ट या किसी और पावर की जरूरत नहीं होती। ये तुम्हारे हाथों में होता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में होता है। जब एक इंसान बच्चे के रूप में जन्म लेता है तो उसे माँ बाप पालते हैं, चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, और इस दुनिया को टक्कर देने लायक बनाते हैं, और वो लड़का ऐसा बन भी जाता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा समझदार होता है, वो खुद को कष्ट देने से डरने लगता है, और यही चीज उसे दिन ब दिन कमजोर करने लगती है, और फिर वही लड़का ठीक से अपने आप को भी नहीं बचा सकता है। इसलिए तुमने भी महसूस किया होगा कि बचपन में कोई आराम नहीं करना पसंद करता, लेकिन जैसे ही थोड़ी जवानी जड़ती है पता नहीं क्या हो जाता है, साला सिर्फ और सिर्फ आराम करने को ही दिल चाहता है। देखो दोस्त, इस दुनिया में बहुत से लोग आए जिनकी कहानी तुमने सुनी भी है, शायद कुछ ने देखी भी होगी, और आगे सदियों तक यही सिलसिला चलता भी रहेगा। अगर तुम भी उन्हीं लोगों में खुद को शामिल करना चाहते हो तो सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि ऐसा करने के लिए कोई फरिश्ता आसमान से नहीं उतरेगा, यह तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही करना होगा। जरूरी नहीं हर कहानी सिर्फ जीत और लाजवाब बादशाह की हो, बहुत सी कहानियां आखिरी में जीतती नहीं है, लेकिन वो बंदा अमर हो जाता है जो उस कहानी का हीरो होता है। अपनी कहानी खुद लिखो और अपनी कहानी के हीरो बनो। पहली बात की गलत मत करो, और अगर गलती नहीं है तो फिर किसी के बाप से भी मत डरो। दूसरी बात, मेहनत पागलों की तरह करो, जो बंदा मेहनत करता है किस्मत भी उसी का साथ देती है। तीसरी बात, किसी की परवाह मत करो, जब तक किसी की परवाह में आंसू बहाते रहोगे, सोचते रहोगे, सिर्फ और सिर्फ दर्द में रहोगे, और घंटा किसी काम में मन नहीं लगेगा, और कोई काम ढंग से नहीं होगा। लेकिन अगर इग्नोर करने लग जाते हो, लोगों के पीछे नहीं बल्कि अपने सपने के पीछे पागल बनते हो, तो वो लोग भी झक मार कर तुम्हारे पीछे आएंगे, और ऐसा करके तुम्हारी कहानी और पर्सनैलिटी दोनों ही दूसरे लोगों के लिए लाजवाब हो जाएंगी। तो इसलिए अपनी कहानी खुद लिखो, पूरे हक से, अपने दम पे। इंसान को अगर एक जिंदगी मिलती है और अगर वो अपनी उस एक जिंदगी में भी काबिल नहीं बन पाता है, तो उसे दोबारा इस धरती पर जन्म लेने का कोई अधिकार नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।